दोस्तों रिसेंटली केरला में निपा वायरस के चपेट में आकर 10 पीपल की मौत हो गया है। निपा वायरस एक तरह का इन्फेक्टेड डिजीज है। ये वायरस बैट्स मतलब चमगादड़ से फ्रूट्स में और फ्रूट्स के जरिए इंसानों में फैलता है। ये डेडली वायरस के चपेट में आने से इंसानों की मौत भी हो सकता है। दोस्तों दिक्कत की बात यह है, इस बीमारी का अभी तक कोई भी सटीक इलाज इन्वेंटेड नहीं हुआ है। बचाव के जरिए इनसे दूर रह जा सकता है। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और आज के इस वीडियो में मैं निपा वायरस के बारे में कुछ शॉर्ट में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रिसेंटली केरला में एक ही परिवार के 3 लोगों का निपा वायरस के कारण से मौत हो गया है। भारत में इस वायरस का अटैक पहली बार नहीं हुआ है। साल 2001 में जनवरी और फरवरी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसको देखा गया था। 66 लोग इसके चपेट में आ गए थे जिनमें 45 लोगों का देहांत हो गया था। 2007 में पश्चिम बंगाल के ही नदिया में निपा वायरस का दूसरा अटैक देखा गया था। यहाँ पर 5 लोगों की मौत की खबर था और हाल ही में केरल में इसके चपेट में 10 लोगों की मौत की खबर है। सरकार इस मामले को लेकर बड़ी चिंता में है और वो लोग काम कर रहा है। निपा वायरस सबसे पहले मलेशिया में 1998 से 1999 में देखा गया था 265 केसेस में। 2004 में ये बांग्लादेश में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड हो गया था, वहाँ पर चमगादड़ों से ये नहीं फैला था। तो निपा वायरस क्या होता है? दोस्तों ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। ज़्यादातर केसेस में फ्रूट बैट्स से फ्रूट्स में और फ्रूट से इंसानों में और जानवरों में ये फैलता है। जो फ्रूट्स बैट्स है अगर कोई फल को छूते है या थोड़े से भी खाते है और मलमूत्र उसमें फैल जाता है और वो फ्रूट्स अगर कोई इंसान खाता है या कोई जानवर भी खाता है एक से दूसरे को ये फैल सकता है। चलिए दोस्तों इसका कुछ सिम्टम की बात करते हैं। निपा वायरस के चपेट में आने पर तेज बुखार, हेडेक, वॉमिटिंग, मानसिक भ्रम, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। इन्फेक्शन के बढ़ने से मरीज कोमा में भी जा सकता है और उसका मौत भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं निपा वायरस से हम कैसे बचे। दोस्तों अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक इसका कोई भी सटीक इलाज का खोज नहीं हो सका। निपा वायरस के वैक्सीन अभी तक बना ही नहीं। तो जो सिंड्रोम मैं आप लोगों को बताया था उन केसेस में आप डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए और उन्हें दिखाने में झिझकना मत, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखने पर आप इनसे दूर रह सकते हैं। दोस्तों खजूर को आप अभी मत खाइए और मार्केट से जब आप फ्रूट्स खरीदते हो तब देख कर ही आप फ्रूट्स को खरीदना, पूरे जांच पड़ताल करके ही फ्रूट्स को आप खरीद लेना। और दोस्तों निपा वायरस के इन्फेक्टेड जो रोगी है उनसे आप दूरी बनाकर रहिए, क्योंकि केरल में जो नर्स की मौत हुई है कहा जा रहा है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड होने के कारण से ही उनकी मौत हुई थी। और दोस्तों पिग मतलब सुअर और चमगादड़ से आप दूरी बनाकर रहिए और फॉरेस्ट में अभी घूमना फिरना बंद कीजिए। उन बहादुर डॉक्टर्स की टीम को सलाम है जो निपा वायरस के इन्फेक्टेड रोगी को बचाने की कोशिश कर रहा है अपने जान को जोखिम में डालकर भी। अब इस वीडियो को फॉरवर्ड, शेयर और लाइक करने से कोई काम नहीं चलेगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है, मैदान में उतरना पड़ेगा डट के। इफ यू ऑल कम टुगेदर, इफ यू ऑल ज्वाइन आवर हैंड्स, वी कैन स्टिल मेक ए डिफरेंस। अगर आप में से किसी को भी समाज की रत्ती भर की फिगर है तो इस वीडियो को आग की तरह फैलाओ ताकि और दोस्तों को भी पता चले।